मुंबई शहर। घड़ी सुबह के 9:30 बजा रही थी। डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी लगभग 24 साल की एक लड़की एक हाथ में सैंडविच और दूसरे हाथ में चाय का कप थामे नाश्ता करने में बिजी थी। उसके सामने ही बैठे 3 लोगों की आंखें लगातार उसे घूर रही थी कि तभी उस लड़की का फोन घनघना उठा। स्क्रीन पर उभर रहे नाम को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वहीं सामने की ओर बैठे तीनों के कलेजों पर उसकी मुस्कान देखकर सांप लौट गए। उस लड़की ने बिना सामने की तरफ देखे कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, अवी कहाँ रह गई? अब तक क्यों नहीं आई तू? ठीक तो है ना? या उन तीनों ने? वो लड़की आगे कुछ बोलती तब तक उस लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, रागी शांत, और सुन मैं बस 10 मिनट में निकल रही हूँ, तू कस्टमर देख लेना, ओके? सामने से आवाज आई, ओके जल्दी आ, आई एम वेटिंग। अविका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर नाश्ते में ध्यान लगाया और बिना सामने देखे ही कहा, मुझे देखने से अगर पेट भर जाए तो थोड़ा पेट नाश्ते से भर लीजिए। तीनों ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अविका को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उसने टिश्यू से अपने हाथ पोंछे, अपना बैग उठाया और कार की चाबी लेकर बाहर आ गई और वो तीनों बस उसे घूरते ही रह गए। अविका ने कार बाहर निकाली तो गार्ड ने बड़ा सा गेट उसके लिए खोल दिया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। उनके जाते ही डाइनिंग एरिया में बैठे उन तीनों लोगों में से एक लड़के ने सैंडविच को गुस्से से फेंकते हुए कहा, मॉम ये कहीं की शहजादी है क्या जो हम इसकी बात सुनते हैं? जी तो करता है कि गला घोट दो इसका। उसकी बात सुनकर उसके पास बैठी 50-55 वर्ष के लगभग की औरत उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो मोहित, इसको तो हम एक ना एक दिन सबक सिखा कर रहेंगे, तब तक तू शांत रहे। उनके पास बैठी एक लड़की ने कहा, वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते और चुप रहने में ही हमारी भलाई है। ये कहकर वो नाश्ता करने में बिजी हो गई। मोहित ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और वहां से अपने रूम में चला गया। एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए। अविका ठाकुर, उम्र यही कोई 24 के आसपास, गोल चेहरा, गेहुआ रंग, काली भूरी बड़ी कजरारी आंखें, छोटी गोल नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से लाल गुलाबी उभरे हुए होंठ, कंधे से 4-5 इंच नीचे तक लटकते स्ट्रेट बाल जिन्हें वो हमेशा रबर बैंड की मदद से बांधे रखती, दोनों साइड गालों को छूती छोटी छोटी लटें और निश्चल सी मुस्कान जिसे देख कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। अविका ठाकुर, ठाकुर परिवार की इकलौती वारिस। 5 साल की उम्र में अविका ने अपनी ममा राधिका ठाकुर को एक सड़क हादसे में खो दिया था। अविका के पापा अविनाश ठाकुर जो कि एक नामी वकील थे, उन्हें भी अविका ने 1 साल पहले यानी कि 23 की उम्र में खो दिया। ठाकुर साहब ने ही अकेले अविका को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इंडिपेंडेंट बनाया। अपनी पत्नी राधिका की ख्वाहिश के चलते अविका को डिजाइनिंग का कोर्स करवाकर फैशन हाउस ओपन किया और अविका ने भी उनकी ख्वाहिश का मान रखा और आज उसका फैशन हाउस शहर का नामी फैशन हाउस में से एक है। ठाकुर साहब की तलाकशुदा बहन शैलजा अपने दोनों बच्चों मोहित और माही के साथ ठाकुर साहब के बंगले में ही रह रही थी। उनकी नजर ठाकुर साहब की धन दौलत पर थी, पर ठाकुर साहब अपनी बहन के लालच उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी इकलौती लाडली बेटी अविका के नाम कर दी थी और उन्होंने विल भी ऐसी बनाई थी कि कोई चाहकर भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकता था और ना ही अविका को नुकसान पहुंचाने की सोच सकता था, क्योंकि अगर अविका को कुछ होता तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाती। चलिए अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अविका कुछ ही देर में फैशन हाउस पहुंच गई थी जहां बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राधिका फैशन हाउस। अविका ने वॉचमैन अंकल की ओर कार की चाबी बढ़ाकर पार्क करने के लिए कहा और जल्दी से अंदर चली गई। फैशन हाउस कई फ्लोर में बटा हुआ था। फैशन हाउस में कई वर्कर्स काम करते थे, कुछ की उम्र 50 से भी ऊपर थी। अविका सबको अपने परिवार की तरह ही मानती थी और वो भी अविका को अपना मानते थे। अविका कांच के गेट से होकर अंदर आई और अपने ऑफिस में चली गई। उस ऑफिस में हर एक चीज
साफ सुथरी और व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। सेंटर में बड़ा सा टेबल जिस पर पेंसिल कॉपी से लेकर जरूरत की हर चीज रखी हुई थी। एक तरफ बप्पा की मूर्ति और वहीं उसके मामा पापा की तस्वीर लगी हुई थी। अविका ने दोनों तस्वीरों से फूलों का हार उतारा और फ्रेश हार पहना दिया। पापा मामा, जब भी यहाँ खड़ी होती हूँ एक सुकून भरा एहसास होता है। हर वक्त जैसा लगता है आप दोनों मेरे पास, अपनी अवी के पास हैं। उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और बप्पा के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाने और कुछ देर दोनों तस्वीरों को निहारने के बाद उसने पीछे पलट कर देखा तो रागिनी दो कप कॉफी लिए खड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले मिलवाते हैं रागिनी से। रागिनी अविका की स्कूल फ्रेंड के साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड, बहन, सब कुछ थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। रागिनी मुंबई में अपने मामा मामी के साथ रहती है। मामा मामी की कोई संतान ना होने के कारण दोनों ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और रागिनी भी अपने मामा मामी को ही अपने माँ पापा मानती आई है। रागिनी के पापा को बेटी नहीं चाहिए थी, वो तो उसे किसी मंदिर की सीढ़ी पर छोड़ आना चाहते थे, पर रागिनी के मामा मामी रागिनी को अपने साथ ले आए और सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद रागिनी पर उनका अधिकार हो गया। रागिनी की मामी यानी माँ अर्चना जी एक गृहिणी है और मामा यानी पापा पुलिस ऑफिसर। आप सुन रहे हैं कुको एफएम पर कहानी सुनो शहजादी। इसे लिखा सपना मौर्य ने, आवाजें आरजे सिमी और आशुतोष की। कुको एफएम, सुने जो मन चाहे। रागिनी ने अविका को कॉफी मग थमाया और सामने चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही अविका भी उसके सामने बैठ गई। रागिनी ने कॉफी का एक सिप लिया और अविका को देख कहा, सबके सामने कुछ भी बन जा, पर मेरे सामने अवी बनकर रहा कर, मुझसे तेरा एक खड़ूस बना झेला नहीं जाता। अविका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, थक गई हूँ यार, पापा थे तो सब अच्छा था, अब तो उस घर में घुटन होने लगी है। कहने को तो वो मेरी बुआ है और मोहित और माही भाई बहन, पर सिर्फ कहने को ही है। प्यार और अपनापन तो उनसे कभी मिला ही नहीं मुझे। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहती, उन लोगों की नफरत से तो बची रहती। पापा की दौलत में वो इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी भतीजी, अपनी बहन, अपना रिश्ता भूल नफरत करने में लगे हुए हैं। रागिनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देख अभी अंकल ने सब कुछ तुझे सौंपा है और तुझे इस काबिल बनाया है कि तू अपने दम पर अकेले सब कर सके, और तूने किया भी है। अब तेरी बुआ के लिए और मोहित माही के लिए क्या ही कहूँ। मुझे तो मेरे सगे बाप ने ही सीढ़ियों पर छोड़ने का फैसला ले लिया था, फिर भी मैं आज माँ पापा के साथ खुश हूँ ना। और तू भूल रही है, पापा ने कहा था तुझसे कि उनकी एक नहीं दो दो बेटियां हैं, और तू तो शेर है। उसकी बात सुन अविका मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देख रागिनी ने फिर कहा, ये हुई ना बात, अब देख वो तीन लोग तुझे नहीं पसंद करते ना करे, पर हम सब तो है, हमारी टीम है जो तुम्हें इतना प्यार देती है। और देख तूने अंकल को वादा किया था ना कभी इस तरह दुखी नहीं होगी और उन तीनों की बातों को नजरों को इग्नोर करेगी। वैसे भी तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए अपनी जिंदगी खुशी से जी। और छोड़ यार, कॉफी पी, बहुत काम है। उसकी बात सुन अविका के फेस पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने कॉफी का आखिरी सिप लिया और कहा, बस मेरी बातूनी क्वीन, अब काम कर लिया जाए, फिर ऊपर सबका काम चेक करने और नया काम हैंडओवर भी करना है। और रागिनी उससे पहले ही बोल पड़ी, और नए डिजाइन्स भी रेडी करना है, यही ना। अविका नाम है गर्दन हिलाते हुए, कल कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, उन्हें कुछ यूनिक डिजाइन्स चाहिए, मुझे बस वही डिजाइन्स तैयार करना है। रागिनी ने उसकी बात सुन कहा, अच्छा अभी मैंने ना न्यू ड्रेसेस पर टैग लगाने के लिए कह दिया है, और डिजाइंस के लिए हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं यही ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ, और वो नई लड़की आई है उसे काम समझाना है। अविका ने हाँ में सर हिलाया और रागिनी केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। उसके जाते ही अविका भी डिजाइन तैयार करने में लग गई। दूसरी तरफ मुंबई के ही एक बड़े से घर में ब्रेकफास्ट टेबल पर
आगे बढ़ने से पहले इस फैमिली से भी मिलवा देते हैं। मिस्टर रघुवीर राठौड़ एक बिजनेसमैन है। इनकी पत्नी मीनाक्षी राठौड़ एक गृहिणी है। इनका बड़ा बेटा प्रताप राठौड़ बिजनेस में इंटरेस्ट न होने की वजह से इन्होंने मेडिकल लाइन में जाना सही समझा और ये एक सर्जन डॉक्टर हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी ही पसंद की, या यूं कहें कि अपनी ही फील्ड की डॉक्टर रश्मि से शादी की। रघुवीर जी के छोटे बेटे कबीर राठौड़, जिसे अपने पापा की तरह ही बिजनेस में इंटरेस्ट है, इनकी छोटी बेटी निक्की निकिता जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, सुमित राठौड़ कबीर का दोस्त, जिसे कबीर 10 साल की उम्र में फुटपाथ से घर उठाकर ले आया था, और रघुवीर जी ने सुमित को अपने बेटे की तरह रखा और अपना नाम भी दिया। मिस्टर रघुवीर राठौड़ अखबार में नजर गड़ाए हुए ही मीनू मीनाक्षी राठौड़ इनकी धर्मपत्नी से कहते हैं, कबीर कब तक आने वाला है, कुछ बताया है क्या उसने? आपका बेटा आप ही की तरह है, कभी कुछ नहीं बताता, कहां जा रहा है, कब आएगा, कुछ नहीं। निक्की अपना नाश्ता खत्म कर कहती है, मम्मा पापा कॉलेज का टाइम हो गया, मैं निकल रही हूँ। सुमित भाई आज आप छोड़ दो कॉलेज प्लीज, निक्की ने सुमित से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मीनू जी सुमित के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, जब रोज रोज गाड़ी से ही जाना था तो स्कूटी क्यों खरीदी? निक्की ने बचाव के लिए सुमित की तरफ देखा तो सुमित ने कहा, मम्मा मैं छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे उधर काम है। निक्की सुमित को फंसा कर बैग उठा जल्दी से बाहर निकल गई। उसे देख मीनू जी ने सुमित से कहा, बेटा उसका रोज का नाटक है, ये तुम रोज रोज उसकी बात मानोगे तो तुम्हारे सर पर बैठ कर नाचेगी, ये जरूर कहीं स्कूटी ठोक पीट के आई होगी, तभी तो। रघुवीर जी उनकी बात काटते हुए, मीनू बच्ची है, सुमित बेटा तुम जाओ और कबीर से बात हो तो मुझे बताना, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीनू जी कुछ कहती कि सुमित और रघुवीर जी दोनों ही झट से बाहर की तरफ निकल गए। मीनू जी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। सुमित ने निक्की को कॉलेज छोड़ा ही था कि उसके पास किसी की कॉल आई। उसने कुछ देर बात की और आधे एक घंटे में पहुंचने का कहकर गाड़ी में बैठ निकल गया। सुमित यही कोई 40-45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा। एक लड़का डेनिम शर्ट जीन्स पहने बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आती जाती लड़कियां, यहां तक कि लड़के भी उसकी तरफ ही देखते हुए जा रहे थे। गोरा रंग, गोल आकर्षक चेहरा, क्लियर जॉलाइन, गर्दन तक आते बाल जिन्हें वो उंगलियों से बार बार पीछे कर सेट कर लिया करता था, छोटी छोटी आंखें, सुर्ख लाल होंठ, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आंखों पर धूप का चश्मा, कलाई पर ब्रांडेड घड़ी, चेहरे पर एटीट्यूड, हर कोई उसकी पर्सनैलिटी और सुंदर चेहरे को देखते हुए गुजर रहा था, पर वो इन बातों से अनजान अपने मोबाइल में नजर गड़ाए हुए था। सुमित ने इधर उधर देखा तभी उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो कबीर कहते हुए आगे बढ़ा और उसकी आवाज सुन कबीर ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। सुमित उससे अलग होकर कहता है, कैसा रहा बिजनेस टूर? कबीर सब अच्छा था, पर तू ये बता मम्मा नाराज तो नहीं है ना? सुमित मुस्कुराते हुए, जानता तो है मम्मा को, फिर भी। अविका कैबिन में बैठी डिजाइन तैयार कर रही थी। उसे रागिनी के लिए भी एक ड्रेस बनानी थी जो वो उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी। अविका ने सारे पेपर्स ड्रॉवर में रखे और कैबिन लॉक कर ऊपर चली गई। सारा काम देखने के बाद वो रागिनी के पास चली आई जो नई आई वर्कर को काम समझा रही थी। रागी मुझे मार्केट में कुछ काम है तो तुम यहाँ संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अविका ने रागिनी से कहा। ठीक है, पर तुम कहाँ चली और ये कौन सा काम है जिसके बारे में रागी नहीं जानती? हाँ बोलो। रागिनी ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, मैडम कोई सीक्रेट नाम की चीज भी होती है कि नहीं दुनिया में? अविका ने कहा तो रागिनी बोल पड़ी, ओहो तो अब हमारे बीच में सीक्रेट्स ने जगह ले ली है। रागी यार जाने देना, बस यूं गई और यूं आई, अविका ने चुटकी बजाते हुए कहा। चल तेरा ये यू और यू के बीच एक घंटा होता है और कभी कभी उससे भी ज्यादा, पर अब तू जा ही रही है तो कुछ खाने को लेकर आना। अविका मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। कुछ ही देर में रेड सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी कि पीछे से आ रही गाड़ी ने उसकी गाड़ी को हल्का सा टक्कर मारा। सुमित चिल्लाते हुए कबीर से कहता है, कबीर तू देखकर नहीं चला सकता क्या, या कार चलाना भी भूल गया है? मैं ही बेवकूफ था जो तुझे चाबी पकड़ा दी। कबीर उसकी बात सुनकर
हो गया तेरा या और कुछ बाकी है सुमित? सुमित ने उसे घूर कर देखा। इधर गाड़ी में बैठी अविका का सर स्टेयरिंग से टकराते हुए बचा। वो गुस्से से कार से बाहर आई और पीछे वाली गाड़ी को देखते हुए अपनी गाड़ी को देखने लगी। कार के पीछे एक लाइट फूट चुकी थी। उसने तीखी नजर से कार पर नजर डाली। कबीर और सुमित दोनों अंदर बैठे उसे ही देख रहे थे। अविका ने अपने कार का पीछे का डोर खोला और हॉकी स्टिक निकाली। कबीर और सुमित हड़बड़ाकर उसे देखे जा रहे थे। अविका ने हॉकी स्टिक से उनकी कार की दोनों हेडलाइट फोड़ दी और कार में वापस आ गई। कबीर को बहुत गुस्सा आया, पर गलती उसकी थी इसलिए वो चुप करके बैठा रहा। वो कार से बाहर निकलता कि सिग्नल ग्रीन होते ही अविका निकल गई। सुमित और कबीर देखते ही रह गए। अविका तो चली गई, पर सुमित और कबीर देखते ही रह गए। कबीर अभी भी उधर ही देख रहा था जिधर अविका ने गाड़ी घुमाई थी। बगल में बैठा सुमित भी आश्चर्य में था, क्योंकि कबीर जैसा था उस हिसाब से तो वो अब तक अविका की गाड़ी को आग लगा चुका होता, पर उसने तो कुछ किया ही नहीं, बस चुपचाप गाड़ी में बैठे तमाशा देखता रहा। बात उसे हजम नहीं हो रही थी। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे कि पीछे से लगातार बजते हॉर्न की आवाज सुन कबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और एक तरफ को रोकी। दोनों ही गाड़ी से बाहर आए। कबीर ने हेडलाइट्स की तरफ देख सुमित से कहा, कहां यार, वो लड़की थी या बवाल? कैसे हमारे सामने हमारी ही कार की हेडलाइट फोड़ कर चली गई, और मैं कबीर राठौड़ कुछ कर भी नहीं पाया। तो बेटा गलती तेरी थी जो तूने उसकी गाड़ी को ठोका। वो तो शुक्र मान उसने चिल्लम चिल्ली नहीं की, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस हमें छोड़ती नहीं। और जिस बवाल की तू बात कर रहा है ना, उसका नाम अविका ठाकुर है, सुमित ने कहा। सुमित ने मन में सोचा, अच्छा ही हुआ जो तूने कुछ नहीं किया। कबीर ने सुमित की तरफ हैरानी से देख कहा, तुझे कैसे पता उस शहजादी के बारे में? तू कैसे जानता है उसे? मैं उसे पर्सनली ना मिला हूँ ना जानता हूँ। सुमित ने कहा ही था कि कबीर बोल पड़ा, फिर तुझे कैसे पता उसका नाम, वो क्या था? अच्छा छोड़, कैसे पता? तू बात सुनेगा तभी तो बताऊंगा ना। और तू क्यों जानना चाहता है उसके बारे में? हमारी वजह से उसकी कार को नुकसान पहुंचा, तो बदले में उसने भी वही किया, हिसाब बराबर। अब वो अपने रास्ते, हम अपने। और तुझे तो लड़कियों से एलर्जी है, तू तो देखता तक नहीं है, फिर ये शहजादी ये क्या था? सुमित ने कबीर का उतावलापन देख कहा, देख जैसा तू सोच रहा है ना वैसा दूर दूर तक नहीं है मेरे भाई। अब चल घर चलें, मम्मा को सरप्राइज भी तो देना है, अचानक से उनके सामने पहुंचकर। कबीर ने अपने बालों को ठीक करते हुए चश्मा लगाया और कार में जा बैठा। अविका ने कार वापस फैशन हाउस की तरफ मोड़ दी। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। उसने बाहर खड़े गार्ड से गाड़ी ठीक करवाने का कह चाबी थमाई और अपने केबिन में आ बैठी। रागिनी ने उसे आते देखा तो वो भी नीचे चली आई। रागिनी केबिन में आते हुए, क्या हुआ, ज्वालामुखी क्यों बनी हुई है, कुछ कांड हो गया क्या, या फिर किसी ने प्रपोज कर दिया इस शेरनी को? अविका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, शट अप यार रागी, मेरा मूड ठीक नहीं है और तुझे मजाक सूझ रहा है। रागिनी ने अविका का हाथ पकड़ा, उसे उठाकर कैंटीन एरिया में ले आई और कहा, यार गुस्सा बाद में कर लेना, पहले पेट में कूद रहे चूहों को दाना पानी देकर शांत कराने की जरूरत है, तो प्लीज खाना खाएं। अविका मुंह बनाते हुए कहती है, तू आज टिफिन नहीं लाई क्या? आंटी के हाथ का खाना खाने का मन था मेरा। रागिनी अपना छुपाया हुआ टिफिन निकालते हुए कहती है, मम्मा को पता है कि तुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो कभी नहीं बोलती टिफिन रखना। अब ये बता, आज ज्वालामुखी क्यों बन गई थी? अविका ने खाना खाते हुए सारी बातें बताई तो रागिनी जोर से हंस पड़ी और बोली, यार सीरियसली, तूने गाड़ी वाले का चेहरा भी नहीं देखा और हेडलाइट फोड़ाई, और तो और उस गाड़ी वाले ने तुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अविका ने मुंह बनाकर कहा, होगा कोई पियक्कड़ और टून होकर चला रहा होगा, ठरकी कहीं का, डर गया होगा इसीलिए दुबक कर बैठा होगा कार में, और वैसे भी ये सब जल्दी में हुआ और सिग्नल ग्रीन होते ही मैं वहां से निकल आई। यार मैं अब भी उस गाड़ी वाले के बारे में सोच रही हूँ, बेचारा, उसे क्या पता था उसने किसकी गाड़ी ठोकी है। अविका ने उसे घूर कर देखा तो वो इधर उधर देखने लगी, जिसे देखकर अविका मुस्कुरा दी। उधर कार ड्राइव करते हुए भी कबीर
अविका के बारे में ही सोच रहा था। धूप में चमकता उसका गेहुआ रंग और गुस्से से जो तिरछी नजर उसने गाड़ी पर डाली, कबीर की आंखों के सामने सारे पल गुजर गए। अपनी सोच से बाहर आ उसने ड्राइविंग पर ध्यान दिया। अनायास ही अविका का हॉकी स्टिक से हेडलाइट फोड़ना उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया था। सुमित की नजरें कबीर पर ही थी, पर उसने उसे कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। कबीर ने गाड़ी से बाहर निकल चाबी गार्ड की तरफ उछाली और घर के अंदर चला आया। सामने ही हॉल में मीनू जी सोफे पर बैठी फोन पर किसी से बतिया रही थी कि उनकी नजर अपने सामने खड़े कबीर पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। मीनू जी ने फोन पर कहा, बेटा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कबीर आगे बढ़ा और अपने मामा के गले लग गया। मीनू जी ने उसका कान पकड़ कर कहा, साहबजादे बड़ी जल्दी याद आ गई आपको घर की। कबीर ने अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मामा बिजनेस के काम से गया था, बस उसी में थोड़ा वक्त लग गया। मीनू जी ने उसके कान को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, थोड़ा? एक महीना थोड़ा वक्त होता है? और माना कि बिजनेस से रिलेटेड काम से गए थे तो अपनी माँ को तो बता ही सकते थे ना, पर नहीं, फिक्र किसे है। आखिरी लाइन कहते हुए उन्होंने उसका कान छोड़ा और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कबीर ने अपने कान को सहलाया और कहा, मामा बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सोचा आपको सरप्राइज दूंगा पर आप तो नाराज हो गई। मीनू जी ने कबीर की तरफ पलट कर देखा और मेड से कहकर खाना लगवाया और सुमित और कबीर को बैठा कर दोनों को अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया और फिर खुद भी खाया। मीनू जी कबीर की तरफ देखकर बोली, अगली बार से इतने दिनों के लिए कहीं पर भी गए ना तो बेटा घर में घुसने नहीं दूंगी। जब देखो तीनों बाप बेटे बिजनेस में लगे रहते हैं, वो प्रताप जब तब इमरजेंसी में रश्मि के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, ना रात की फिक्र, ना दिन की, ना खाने की, ना सोने की, इतने लोग होते हुए भी घर खाली ही रहता है। तो मम्मा इसकी शादी करवा दो ना, कबीर सुमित की तरफ देखते हुए कहता है। सुमित ने कबीर को घूर कर देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीनों ने खाना खाया, सुमित ऑफिस के लिए निकल गया और कबीर अपने रूम में आराम करने। वो अपने रूम में आया और टॉवल ले बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसे एक बार फिर अविका का धूप में चमकता चेहरा नजर आने लगा। वो बेड पर आकर लेट गया और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला गया। अविका ने अगले दिन की मीटिंग के लिए डिजाइन तैयार कर लिए थे, सारा काम रेडी था। उसने अपने फैशन हाउस में हर तरह के आउटफिट डिजाइन किए हुए थे, कुछ को हैंग किया था तो कुछ को डमी पर पहनाया हुआ था। शाम के वक्त सब लोग धीरे धीरे जाने लगे थे, बस रागिनी और अविका ही रह गई थी। अवि चलना यार, अब लोग तो जा चुके हैं और फिर तूने तो कल की मीटिंग का भी सारा काम कर लिया है, तो अब चलना, अविका अपना सामान सेट करते हुए कहती है। क्या करूं, घर जाने का मन ही नहीं करता। एक ऐसे घर में जहां कोई इंतजार करने वाला, प्यार से खिलाने वाला, थके होने पर सर पर थपकी देकर सुलाने वाला, बिन कहे चाय कॉफी पिलाने वाला कोई है ही नहीं। रागिनी की आंखें भी नम हो गई थी उसकी बातें सुनकर। उसने अपने आप को संयत कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान बेशक आज कोई नहीं है तेरा इंतजार करने वाला, कोई नहीं है साथ में डिनर करने वाला, पर बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब कोई तेरा इंतजार करेगा, तुझे खुद से भी ज्यादा चाहेगा, तेरी हर जिद पूरी करेगा, तुझे सुनेगा, तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। और ऐसा सिर्फ सपनों में होता है मेरी जान, हकीकत में नहीं। और वैसे भी मैं अब ख्वाब भी देखती हूँ तो बस अपने इस फैशन हाउस के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए। अविका ने रागिनी की बात को काटते हुए कहा। रागिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या यार अवि, इतने अच्छे डायलॉग का कचरा कर दिया तूने। खैर छोड़, चल आज मेरे साथ अपने घर चल, वैसे भी मम्मा पापा को तो इंतजार ही रहता है अपनी शेरनी का। अविका उसके साथ केबिन से बाहर निकलते हुए कहती है। नहीं यार, वैसे भी अगर वहां नहीं गई ना तो एक रात में न जाने क्या से क्या हो जाए, मेरे होने से उन लोगों में थोड़ा डर तो बना रहता है। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और घर के लिए निकल गईं। अविका ने कार में बैठ म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और एक बार फैशन हाउस की तरफ देखा और घर के लिए निकल गई। कुछ मिनटों में वो घर के बाहर थी। एक गहरी सांस लेकर वो घर के अंदर गई। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो इधर उधर देखते हुए
अपने कमरे में चली गई, सामान को टेबल पर रखा और हल्के फुल्के कपड़े डाल फ्रेश हो नीचे चली आई। अपने लिए कड़क चाय मंगवाई और सोफे से सिर टिका आंखें बंद कर बैठ गई। मेड ने चाय लाकर टेबल पर रखी और चली गई। अविका ने चाय का कप उठाया कि उसके सामने बुआ, मोहित और माही आकर बैठ गए। अविका ने उन तीनों पर एक नजर डाली और चाय पीने में व्यस्त हो गई। शैलजा, बुआ ने कहा, वो हम तीनों कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, कहाँ जाना है और कहाँ रुकना चाहते हैं डिटेल मुझे बता दीजिए, मैं टिकट और बाकी सब अरेंजमेंट उस हिसाब से करवा दूंगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अविका ने कहा। तीनों खुश हो गए। अविका वहीं बैठी रही तो तीनों ही उठकर चले गए। अविका को अब आदत सी हो चुकी थी। अविनाश जी थे तब भी बुआ और मोहित, माही का यही रवैया था। उन्हें सिर्फ ऐशो आराम से मतलब था, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं था। अविनाश जी जब बीमार हुए तब भी अविका ने अकेले ही उनका ध्यान रखा। अविका ने डिनर टाइम पर डिनर किया और अपने रूम में आ गई। इधर रघुवीर जी और सुमित भी ऑफिस से आ गए थे। निकी भी कॉलेज से छूटते ही घर आ गई थी। रघुवीर जी ने कबीर से काम से रिलेटेड डिस्कस किया और उसके बाद सब बातचीत में लग गए। प्रताप और रश्मि भी हॉस्पिटल से आ गए थे। कबीर अपने भाई के गले मिला। प्रताप, कैसा है और बताकर क्यों नहीं जाता है? ऐसा भी क्या काम महीने भर से लापता है? कबीर, अरे भाई पापा को तो पता था ना, उनसे पूछ लेते आप सब। और भाई, आप और भाभी भी तो जब फोन आ जाता है तब जाते हैं ना, तो हमारे काम में कम से कम ऐसा तो नहीं है। चलिए आप जाइए, फ्रेश होइए। सबने साथ में डिनर किया और अपने रूम में चले गए। कुछ देर अपने रूम में चक्कर काटने के बाद कबीर कुछ सोचते हुए सुमित के रूम में पहुंचा। सुमित को सोते देख वो वापस रूम में आ गया। वो सुमित से अविका के बारे में जानना चाहता था और क्यों जानना चाहता था ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कबीर अपने आप से, कबीर तू पागल है क्या? तुझे क्यों जानना है उस शहजादी, नहीं जंगली बिल्ली? बिना कुछ कहे सुने ही हेडलाइट तोड़कर चलती बनी। पर यार कुछ भी हो, एटीट्यूड तो उसने किसी शहजादी वाला ही दिखाया। सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर झटका और लैपटॉप लेकर बैठ गया। अगले दिन सुबह अविका बीच पर जॉगिंग के लिए निकल गई। उसने हुडी और ट्रैक पैंट पहनी थी। सिर हुडी कैप से ढक रखा था और कानों में हेडफोन लगा वो जॉगिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहीं रेत पर आंख बंद कर बैठ गई। उसी बीच पर कबीर भी जॉगिंग के लिए पहुंचा। जैसे ही उसकी नजरें अविका पर पड़ी, जिसके चेहरे पर अलग ही चमक और सुकून नजर आ रहा था, आंख बंद किए हुए अविका को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो आंख खोलती उससे पहले ही कबीर आगे बढ़ा। अविका ने आसपास नजर घुमाई, सब अपने में व्यस्त थे। सुबह सुबह बीच पर सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर तरफ सुकून था और इसी सुकून की तलाश में अविका हर रोज सुबह बीच पर आ जाती थी। ठंडी हवा जैसे ही उसके चेहरे से होकर गुजरती, उसके होठों पर मुस्कान फैल जाती। वो आंखें बंद कर उस हवा की छुअन, जिसमें उसे सुकून महसूस होता, उसे अपने अंदर तक समा लेती। दूर बैठा कबीर उसकी हर एक मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला, अविका की एक पिक्चर क्लिक की और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद अविका भी उठकर चली गई। अविका ने घर पहुंचकर तीनों को टिकट कंफर्म होने की बात बताई और उनके रुकने की भी पूरी व्यवस्था कर दी है, कहकर अपने रूम में रेडी होने चली गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। मॉम, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उसके साथ ऐसे अजनबियों वाला व्यवहार करना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो कभी मना नहीं करती। इनफैक्ट मोहित, तू चुप करके नाश्ता कर, ज्यादा उसकी वकालत मत कर। शैलजा जी ने भी कुछ नहीं कहा। अविका ने ब्रेकफास्ट किया और हाउस के लिए निकल गई। सुमित और रघुवीर जी पहले ही ऑफिस चले गए थे। निक्की के कहने पर कबीर उसे कॉलेज छोड़ने चला गया। कबीर ने जैसे ही कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी, सारे लड़के लड़कियां उसे ही देखने लगे। निक्की के गाड़ी से उतरते ही कबीर भी उसके साथ बाहर आया। दोनों अंदर आए। निक्की अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और कबीर प्रिंसिपल ऑफिस चला गया, जो रघुवीर जी के बचपन के मित्र थे। कबीर उनसे मिलकर बाहर आया कि उसके सामने ही एक लड़की आई और लड़खड़ा कर गिरने की एक्टिंग करने लगी। कबीर ने अपनी जेब से हाथ निकाला तो लड़की खुश हो गई। वो कबीर के ऊपर ही गिरने लगी।
कबीर ने अपनी शर्ट से चश्मा निकाल आंखों पर चढ़ाया और आगे बढ़ गया और वो लड़की नीचे जमीन पर मुंह के बल गिरी। कबीर पीछे पलटकर उसके पास जाकर पंजों के बल बैठते हुए, ये ट्रिक किसी और के साथ ट्राई करना, मेरे साथ तो यही हश्र होना है। कबीर ने इतना कहा और बिना कुछ सुने ही गेट से बाहर निकल गया। वो लड़की अपने आप को कोसती हुई खड़ी होकर कपड़े झाड़ने लगी और बाकी सब उसकी बेवकूफी पर हंसने लगे। इधर मीनू जी ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई और राधिका फैशन हाउस चलने के लिए कहा। कबीर जैसे ही ऑफिस पहुंचा सबकी नजरें उस पर जा टिकी, खासकर लड़कियों की। कबीर बिना किसी की तरफ देखे अपने कैबिन में चला गया। उसके पीछे ही उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी जल्दी से कैबिन में जा पहुंची। कबीर उसे देखते हुए, मिस? सर, जसमीत कौर। कबीर, मिस जसमीत, आज की अपडेट दीजिए और जो भी मीटिंग हो आधे एक घंटे बाद ही रखवाना। जी सर, वो आज आपकी एक मीटिंग है दोपहर बाद ओबेरॉय मॉल में मिस्टर ओबेरॉय के साथ। ओके, तुम जा सकती हो। जसमीत कैबिन से बाहर निकल गई और एक गहरी सांस ले अपने डेस्क पर चली गई। उसके जाते ही कबीर ने कुछ ब्लूप्रिंट्स रेडी किए और रघुवीर जी के कैबिन में गया। रागिनी हाउस पहुंची और अविका के कैबिन में गई। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी दर्शन दे दिए मैडम ने, अविका मुस्कुराते हुए बोली। क्योंकि आज मीटिंग है और वो लोग 12 बजे या उससे पहले यहाँ पहुंच जाएंगे और मुझे सब कुछ टाइम से करना अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि तूने सारी तैयारी भी कर ली होगी। कर तो ली है। वैसे रागी, मैं सोच रही हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने न्यू आइडियाज के साथ एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें शहर के नामी लोगों को इन्वाइट करते हैं। तुम क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है, पर उसके लिए काफी मेहनत लगेगी और तैयारियां भी। और एक बात, अभी शादियों वाला सीजन चल रहा है और हमारे पास पहले ही बहुत काम है। हाँ, पर हम लोग कौन सा अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे सब मैनेज कर लेंगे। अरे हाँ, वो मीनू आंटी ने कॉल किया था कल मुझे, उनके सारे आउटफिट चेक कर लिए ना तुमने? हाँ मैंने तो कर लिए, एक बार तुम भी देख लो, फिर टैग लगवा कर उन्हें पैक करवा देती हूँ। वैसे वो खुद आएंगी या हमें भिजवाना है? नहीं, वो आंटी शायद एसआर को भेजने वाली है, रागिनी मुंह बनाकर कहती है। हाँ एसआर, मन तो करता है गोली से उड़ा दूं तेरे उस एसआर को। इतना तो अच्छा है, इतनी क्यों चढ़ती है तू उससे? मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना, ऊपर एक बार सब चेक कर ले अच्छे से, कहते हुए रागिनी केबिन से बाहर निकल गई। और उसके जाने के बाद अविका ने अपने डिजाइन को फाइनल टच दिया और खुद से बोली, परफेक्ट। रागिनी ऊपर तो चली गई पर अब उसका मूड खराब हो गया था। कुछ देर यहाँ वहाँ चक्कर मार वो नई आई लड़की के पास पहुंची।